स्वतंत्र इच्छा के नाम पर कोई भी व्यक्ति अपने वरदान का उपयोग करे या दुरुपयोग, ये तो उसी पर निर्भर करता है। शक्ति प्राप्त होने से कोई शक्तिशाली बन जाए, ये सत्य नहीं। शक्ति का सम्मान वहन करने की क्षमता होनी चाहिए, और ये क्षमता किसी वरदान से प्राप्त नहीं होती, ये तो हमारे भीतर ही विकसित होती है। हमारे विचारों से, संस्कार से। तो प्रभु, जो आपकी तपस्या कर आपको प्रसन्न कर लेता है, उसके विचार व कर्म शुद्ध ही होंगे ना? अधिकांश व्यक्ति ईश्वर के प्रति केवल इसीलिए समर्पित रहते हैं ताकि वे अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर सके। उनके विचारों की शुद्धता, उनकी तपस्या केवल भौतिकवाद का माध्यम बन के रह जाती है, उसके परित्याग का नहीं। अहम भाव से ग्रसित ऐसे व्यक्ति अपने से परे देख ही नहीं पाते। उन्हें जो चाहिए वो इसलिए नहीं कि उससे वो संसार का उद्धार करना चाहते, अभी तो इसलिए कि उससे वो केवल अपना, अपने परिजनों का उद्धार कर सके। और शक्ति पा लेने के पश्चात उनका असली स्वरूप प्रत्यक्ष होता है, उनके व्यक्तित्व के दोष उभर कर सामने आते हैं। ऐसे व्यक्ति इस भ्रम को पोषित करने लगते हैं कि वही धर्म है, वही नियम है, और उनकी यही सोच उन्हें दायित्वहीन बना देती है, और वो अपनी शक्तियों को अत्याचार व शोषण का माध्यम बना लेते हैं। जब जब वरदान को अहेतु अन्याय का माध्यम बनाया जाएगा, मैं या नारायण किसी भी रूप में अवतरित होंगे। उसका अंत अवश्य करेंगे।